अपडेट ले लेते हैं एक एक करके। सबसे अमृतांशु जोशी देवास से, समीर खान, साजिद खान, साबर खान, निशाद सिद्दीकी, जफर मुल्तानी, तमाम एनडीटीवी के सहयोगी जो हैं पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते आए हैं और इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए। अमृतांशु, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ है अपडेट और वोटिंग परसेंटेज तो अब तक बेहतर नजर आ रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, पिछले तीन चरणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत इस चरण में देखने को मिला है और लगभग पांच ऐसी लोकसभाएं हैं, आठ लोकसभाओं में से, जिनमें वोटिंग परसेंटेज 70% पहुंच चुका है 5 बजे तक। अब देखिए 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत पूरा आएगा और इसके साथ जो वो टेंटेटिव वोटिंग प्रतिशत रहेगा वो 70% के ऊपर निकलना लगभग जो है वो तय है। आपको तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। हम फिलहाल देवास के सोनकच्छ में मौजूद हैं और ये एक छोटा सा यहाँ पर जो है वो स्कूल है जहाँ पर जो है मतदान हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर रिजर्व बल भी तैनात था लेकिन इसके अलावा अब ये गेट बंद किया जा चुका है। देवास में 71% वोटिंग हुई है, 71.53% वोटिंग देवास में हुई है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा अगर हम कहें, और ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मंदसौर में भी करीबन 71% वोटिंग हुई है, रतलाम में 70, उज्जैन में करीबन 70% वोटिंग है, खरगोन में भी 70% वोटिंग है। यानी अगर बात करें तो देवास और मंदसौर में 70% वोटिंग है वो पार हो चुकी है। और इसके अलावा इंदौर में भी देखिए जो है वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम जा रहा था, हालांकि अभी भी कम है महानगरों के मुकाबले अगर बात की जाए, लेकिन 56% वोटिंग परसेंटेज यहां पर पहुंच चुका है। अभी ये गेट लगा दिए गए हैं, जो अंदर मौजूद थे उनका मतदान भी करवा दिया गया है। हम बहुत ही एक रिमोट एरिया में मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर जब हमारी बातचीत भी हो रही थी उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से वोट्स डले हैं। मान लीजिए अगर 800 वोट डले हैं तो उसमें से 50% से ज़्यादा ही वोट डले हैं, इसलिए शायद यही वजह है कि मौसम हल्का सा बदला है। अभी मालवा निमाड़ में हल्की सी जो है शाम को बादल छाए हुए थे, इस कारण ये जो वोटिंग प्रतिशत है अब और तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि शाम का वक्त था, लोग घरों से निकले हैं। ये तो 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत था, 5 से 6 बजे तक का जो टेंटेटिव वोटिंग प्रतिशत आएगा वो काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद है। और ये माना जाएगा कि जो पिछले तीन चरण रहे हैं, पिछले तीन चरणों से सबसे ज़्यादा बेहतर अगर वोटिंग प्रतिशत किसी फेज़ का रहा है तो वो ये चौथा फेज़ ही है, जो कि शायद ये भी वजह थी कि मालवा निमाड़ में भले ही बहुत गर्मी थी लेकिन जागरूकता इस बार यहाँ पर, चाहे हम देवास उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हालांकि इंदौर से और ज़्यादा उम्मीद थी पिछला 2019 का चुनाव का रिजल्ट देखने के बाद, लेकिन इस बार जो है उम्मीद पर खरी दूसरी लोकसभाएं काफ़ी ज़्यादा उतरी हैं। 70% के ऊपर वोटिंग 5 से ज़्यादा लोकसभाओं में अब देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, तो जो अभियान चलाया गया अमृतांशु, निश्चित तौर पर उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। समीर भाई, इंदौर का हाल जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ रहा खास और इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम ये बात करें तो इंदौर के कई अलग अलग जो इलाके हैं, कई अलग अलग क्षेत्र है, वहां पर बारिश हो गई है और बारिश की वजह से ही हम ये कहें कि जो मतदान जो प्रक्रिया जो चल रही थी, मतदाताओं को जो अंतिम समय में जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि हम ये इंदौर में जो है इस बार वोटिंग परसेंटेज के लिए मौसम भी एक बार कारण बना। सुबह अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम था, तो मतदाता ज्यादा बड़ी तादाद में जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे, काफी भीड़ लगी थी, लेकिन दोपहर होते होते जब गर्मी ने अपना रूप जो है ये कहीं कि विकराल धारण कर लिया तो लोगों ने सोचा कि शाम के समय वो जाके वोट डाल पाएंगे। तो 4 और 5 बजे का बीच का जो वक्त था, जिस वक्त जो है मतदाताओं को, वोटरों को जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचना था, उसी समय जो है बारिश ने दस्तक दे दी। हालांकि पूरे इंदौर में बारिश नहीं हुई लेकिन इंदौर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश हो गई, तो बारिश ने भी जो है हम ये कहें कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में जो है परेशानी पैदा की। और फिलहाल अभी भी जो है मौसम बना हुआ है, इंदौर के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर ओले तक गिर गए, तो ये भी एक वजह रही। और अगर कुल मिला के पूरी एक बात करें तो कांग्रेस का जो है इंदौर से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हम ये कहें कि शामिल जो है जिस तरह से कांग्रेस होती है उस तरह से वो नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ी वजह है। वजह साफ है कि कांग्रेस के जो पोलिंग बूथ हैं उन बूथों पर ना तो ये कहें कि वो टेबलें लगी थी जो मतदाताओं को वो पर्चियां जो उपलब्ध कराती है जिससे कि वो अपने मत का इस्तेमाल जाकर वो पर्ची के आधार पर अंदर कर सकें, तो वो टेबलें नहीं थी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर हम ये कहें कि जिन जो कार्यकर्ताओं को जो है अपने कांग्रेस के वोटरों को निकालने की जिम्मेदारी दी जाती है उनमें भी उत्साह नहीं था। कोशिशें की गई लेकिन कांग्रेस जो है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से बाहर थी। सिर्फ कांग्रेस जो है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नोटा को प्रमोट जरूर किया उन्होंने, जिस तरह से हम ये कहें कि पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग कांग्रेस का जो है वो
ना के बराबर रहा और वो नोटा पे रहा। तो हम ये कहें कि नोटा को प्रमोट करने के लिए जो है काम किया गया था, लेकिन नोटा के लिए मतदाताओं को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने में जो है हम ये कहें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आए, यह भी एक बड़ी वजह है वोटिंग का परसेंटेज जो है कम रहने की। अमृत बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समीर भाई ये एक जगह की बात है, साजिद भाई क्या वजह माने, आठ ही सीटें थी तो प्रशासन के लिए भी एक बेहतर मामला था, ये मौसम ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया है और सियासी पार्टियों ने भी पूरी कोशिश की, कई अभियान चलाए गए, उसी का ही असर है कि इस बार परसेंटेज भी बेहतर है। जी बिल्कुल अमृत, अभी मैं आपको बताऊं तो जैसे रतलाम में 5 बजे तक का जो परसेंटेज आया है वो 73.56% हुआ है, ये थोड़ा बढ़ भी सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए प्रचार में जो है वो जरूर कमी रही है। जिससे हमने लोगों से बात की थी, जो वोटर्स थे उन लोगों से बात की थी, उनका यही कहना था कि प्रचार प्रसार ठीक से पार्टियां नहीं कर पाई हैं, प्रशासन के द्वारा जो काम किए गए उससे लोगों को जरूर पता लगा कि जो है मतदान होना है। अभी मैं खड़ा हूँ, 5-6 बज गई है और मतदान का समय खत्म हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर जो है वह गेट बंद कर दिया गया है, मतदान जो केंद्र है उनके दरवाजे जो हैं वह बंद हो गए हैं। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ लोगों को देखा भी था कि जो मतदान करने आए थे और आने के बाद जो है यहाँ से वो वापस चले गए क्योंकि मतदान का समय खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी परेशानियां मतदाताओं को भी आई है कि जब उनको पहले आना चाहिए था तो नहीं आए, मौसम की सुबह जो है वो काफी धूप थी, काफी गर्मी थी, तो माना जा रहा था कि थोड़ी देर बाद आएंगे, दोपहर में जो है वो अचानक से बारिश हो गई तो लोगों ने घर से निकलने से थोड़ा सा परहेज किया, लेकिन शाम को जो अभी हमने देखा तो लोग आ रहे थे। ग्रामीण एरियो की अगर मैं अमृत बात करूं तो ग्रामीण अंचल में जो है परसेंटेज अच्छा गया है, ग्रामीण लोग सुबह से ही जो है लाइन लाके खड़े थे। तो शहरी इलाके हैं अमृत, खासकर जैसे अभी मैं रतलाम विधानसभा में हूँ, रतलाम झाबुआ विधानसभा रतलाम में खड़ा हुआ हूँ मैं, तो रतलाम में जो है परसेंटेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर दिखाई दे रहा है अमृत जी। और अब आगे देखते हैं जरा क्या कुछ है। निषाद भाई सर आपसे समझना चाहेंगे, वोटिंग खत्म हो चुकी है तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं ईवीएम मशीनों को ले जाने को लेकर, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल, बता दें कि अब जैसे वोटिंग का समय समाप्त हो गया तो उसके बाद अब जो मतदान दल अभी जो है जो बच्चे भी मतदाता है उनको वोट करवा रहे हैं, और ये जब वोट हो जाएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब समय समाप्त हो गया है तो यहाँ पर जो है गेट भी बंद कर दिया गया है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो है जो मतदाता अंदर जो अभी बाकी रह गए हैं उनको मतदान करवाया जा रहा है। मतदान के बाद जो है ईवीएम और सारे जो जब उनकी जो कागजी कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तो यहाँ से ईवीएम मशीन लेकर के उस स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा उसे। और दिन भर से जिस तरह का जो पूरा हो रहा है वो मैं आपको एक थोड़ा सा चलते चलते ये बता दूं कि सुबह ही जब हमने देखा था तो लंबी लंबी कतारें थी क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा था, बादल छाए हुए थे, थोड़ी सी मौसम में ठंडक थी, और ठंडक के चलते जो है लोग ज्यादा घरों से बाहर निकले और सुबह के समय जो वोटिंग परसेंटेज जो था वो सबसे ज्यादा बढ़ता रहा। उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा था क्योंकि निमाड़ है, निमाड़ का क्षेत्र बड़ा गर्म होता है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है, मगर उतना फर्क नहीं पड़ पाया उससे जितना पड़ना चाहिए था या पड़ने वाला था। उस लोगों की जागरूकता थी, लोग जो जागरूक हुए उन लोगों की जागरूकता के चलते लोग पोलिंग बूथ पर आते रहे तो कंटिन्यूटी बनी रही। कंटिन्यूटी के साथ जिस तरह से शाम का समय हुआ, शाम के समय भी आप देख सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, एक बार फिर से बादल से छा गए हैं, तो ये बादल जब छाए हैं तो एक बार फिर से जब पोलिंग बूथ पे जो है मतदाता पहुंचे हैं तो ये एक जो परसेंटेज जो बड़ा है ये मौसम का भी उसमें एक बड़ा किरदार है। मौसम की वजह से भी ये पूरा परसेंटेज जो है एक अच्छा तरीके से सामने आया है क्योंकि चौथे चरण में हम देख रहे हैं जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जब इस तरह से बढ़ रहा है क्योंकि जो पिछले तीन जो चरण थे तीन चरणों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी, मगर इस चरण में जो है बिल्कुल तैयारी भी की गई थी कहीं ना कहीं और आयोग की तरफ से तमाम पहल जो किए गए उसका फर्क नजर आया। जफर भाई आपके पीछे की जो तस्वीर है बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, तो क्या इसका कितना असर पड़ पाया है और कैसी तस्वीर आज नजर आई? चौथे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, आगर मालवा में क्या रहा, अपडेट बताएं। देखिए अमृत, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे जिस मतदान केंद्र पे मैं खड़ा हूँ आगर मालवा का, ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जिसको आयोग ने तैयार किया था जिससे आकर्षित होकर मतदाता यहाँ तक पहुंचे।
लेकिन शायद वो जो परसेंटेज होना चाहिए था यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए हैं आगर में। क्या वजह रही इसे जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है बसंत गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सर आप 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति का विश्लेषण भी आप लगातार करते रहे, जो स्लैग आया आज किस तरह का परसेंटेज में डाउनफॉल रहा, क्या वजह मानते हैं? गत लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा में 80.22% वोट डले थे। अभी 5 बजे की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 72% और 1 घंटे में अनुमानित 3 यदि जोड़ते हैं तो 75% के लगभग मतदान होने की पूरी है, जो मतलब संभावना है। अब ये जो मतदान का प्रतिशत घटा है तो इसमें मेरा विश्लेषण ये है कि एक तो है जो मौसम में तापमान अधिक, दूसरा राजनीतिक दलों के द्वारा जो विगत चुनावों तक प्रदर्शन प्रचार हुआ करता था, शोरगुल हुआ करता था, रैलियां होती थी, सभा होती थी बड़ी बड़ी, इनकी है जो मतलब कमी रही, तो ऐसा लगता था कि माहौल कमजोर है। बावजूद जो प्रतिशत आया है वो निश्चित ही है जो मतलब इस माहौल को देखते हुए बेहतर है, किंतु अब इस बेहतर में भी कोई एक सहायक कारण स्वीप अभियान कलेक्टर का है कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश में जो इस जिले में और आगर में स्वीप की गतिविधियां चलाई गई वो भी है जो मतलब इसमें सहायक। हाँ, लोगों को छाछ पिलाई गई, ठंडाई खिलाई गई और इनामी ड्रॉ भी निकाले गए हैं। हाँ, काफी सारी सुविधा, रैंप के लिए व्हील चेयर वगैरह भी दी गई। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं जो डाउनफॉल हुआ है क्या संदेश दे रहा है? ये डाउनफॉल इस क्षेत्र में तो कोई संदेश विशेष देगा नहीं, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि 68 साल के इतिहास में इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को केवल 4 बार अवसर मिले और ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, और यदि देखा जाए तो जमीनी स्तर पे भाजपा का जो संगठन स्तर का मजबूत है जो नेटवर्क था बूथ लेवल का, उसने निश्चित ही है जो मतलब अपनी जगह पे काम किया है, और कोई दो मत नहीं का कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में है जो कमजोर है, और यही वजह है। साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके मुकाबले में अगर आगर विधानसभा क्षेत्र का जो लोकसभा चुनाव का प्रतिशत देखा जाए तो निश्चित तौर पर काफी कार्यकर्ता लोग भी मौजूद है। आप क्या मान रहे हैं इसको, डाउनफॉल को, या आपके लिए प्लस है माइनस है, किस तरह का रहा? बीजेपी के लिए काफी मेहनत किया बिल्कुल, हमने मैन टू मैन संपर्क किया है, डोर टू डोर संपर्क किया है, मोदी जी की राम राम हमने सभी तक भेजी है। बिल्कुल जफर भाई, तो तमाम जो कोशिशें की गई प्रशासन के साथ साथ सियासी दलों ने जो कोशिशें की उसका फर्क जो है वो जमीनी स्तर पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ साबिर भाई भी जुड़ गए हैं धार से। साबिर भाई, क्या है अपडेट, किस तरीके की आज तस्वीरें नजर आई, क्या कुछ रहा खास अगर आपसे समझना चाहें तो? ठीक है साबिर, आपके पास पहुंचते हैं। अमृतांशी, आपके लोकेशन लगातार बदल रहे हैं, इस वक्त आप देवास में हैं, आपने मध्य प्रदेश में कई जगहों का इस बीच में कई जगहों पर आपने लोगों से बातचीत की है, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, आपसे समझना चाहेंगे क्या है पब्लिक के बीच में, उनके मन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्या आपने समझा, क्या आपने देखा है खास? देखिए, हम इन 4 चरणों में कई जगहों पर गए, हमने शुरुआत छिंदवाड़ा से की थी, आपको याद होगा, छिंदवाड़ा के बाद हम टीकमगढ़ भी गए, उसके बाद गुना, राजगढ़, फिर देवास, धार, रतलाम, झाबुआ, कई पर्टिकुलरली अगर बात करूं मैं खुद की तो मैं कई जगहों पर गई हूं। जगह जगह पर समीकरण मुद्दे सभी बदलते हुए मैंने देखे हैं, और जो कि पिछले 4 चरणों में रहा है, खुशी इस बात की है कि पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ था उसके बाद हरकत में जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा आया, जिसके कारण तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो लोकतंत्र के लिए एक ही अच्छी बात है कि अभी हम जो है बतौर जागरूक मतदाता यहाँ हमारे घरों से निकले हैं। लेकिन इसके अलावा राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो शुरुआत अगर हम छिंदवाड़ा से करें और आखिरी में आकर मालवा निमाड़ पर खत्म करें तो राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को मिलाकर ये चुनाव रहा है, जहाँ पर आदिवासी और जातिगत समीकरण हावी है वहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा ऊपर थे, लेकिन इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दे काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको विकास चाहिए, रोजगार, पलायन, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धार में बड़ा मुद्दा है पलायन जो गुजरात को हो रहा है, गुना राजगढ़ में बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो ये स्थानीय मुद्दों पर है, लेकिन अब जैसे
ही शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हैं आप जो है मान लीजिए उज्जैन और इंदौर तरफ आते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, देश की सुरक्षा को लेकर बात होती है, देश में कैसा विकास हो रहा है, राम मंदिर का मुद्दा बार बार जो है लोग उसका जिक्र भी करते हैं, देश के विकास को लेकर बात हो रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्रदेश देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उनको मालूम है उनको किस जगह पर वोट डालना है। चाहे मैं बताऊं कि मैंने गांव पर भी गांव में भी कई लोगों से बातचीत की, घूंघट डाली हुई महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर सभी से बातचीत की है, सभी अपने मुद्दे जानते हैं, सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो देश के लिए क्या चाहते हैं, वो खुद के लिए क्या चाहते हैं, और दोनों को ध्यान में रखते हुए मतदाता ने जागरूकता के साथ इस बार वोट किया है। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर हम कहेंगे कि लोकतंत्र की रही है। हमने 80-90 साल के बुजुर्गों को व्हीलचेयर पर वोट डालते हुए देखा है, बीमारी से पीड़ित लोग वोट डालने आ रहे हैं, शादी जो है वो छोड़कर वोट डालने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मतदान ज़रूरी है। तो शायद मुझे लगता है अमृत ऐसे ही लोग ऐसे ही तस्वीरें लोकतंत्र को हमेशा सालों साल जिंदा भी रखेंगी। और राजनीतिक परिदृश्यों से अगर बात करें तो राजनीतिक परिदृश्यों से तो ये चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन लोकतंत्र में मतदाता का अहम योगदान बहुत ज़रूरी है और वो हमने तीसरे चौथे चरण में देखा। बिल्कुल अमृतांशु, और बदलते वक्त के साथ हमारा देश भी बदल रहा है और वोटर्स का जो मन है जो नजरिया है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। समीर भाई, इंदौर की जो घटना रही राजनीतिक स्तर पर अगर आप देखें तो ये बेहद खास है, क्या लगता है इंदौर में इससे क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं और इंदौर से बाहर अगर हम बात करें तो इसका कितना इम्पैक्ट नजर आया? बिल्कुल, देखिए अमृत, जिस तरह से आपने इशारों इशारों में कहा, हालांकि आप जिक्र उसी का कर रहे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया था और उसके बाद इंदौर कांग्रेस में जो है ये कहें कि इंदौर का जो कांग्रेस का कैंडिडेट ने नाम वापस लिया तो कांग्रेस चुनाव में बची नहीं, तो उसका जो है असर इंदौर ही नहीं बल्कि देश में हुआ है। क्योंकि जिस तरह से सूरत की घटना आपको याद होगी सामने आई थी, लेकिन सूरत में यह था कि तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया था, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय चुनाव मैदान में बने हुए थे, हालांकि कोशिश की गई थी, वैसा कुछ होता तो एक अलग बात होती, लेकिन चूंकि चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, जो लोकतंत्र की एक अच्छी खबर थी कि सभी के नॉमिनेशन फॉर्म वापस नहीं हुए और इसका देश की राजनीति पर भी असर हो रहा था। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जो है इंदौर को कभी भी हल्के में नहीं लिया, इंदौर में वो पूरे समय चुनाव में बने रहे। इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें तो उन्होंने पूरे समय इलेक्शन कैंपेनिंग की, मुख्यमंत्री जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि मोहन यादव ने अपने रोड शो की समाप्ति इंदौर से करी, बीच बीच में वो लगातार इंदौर आते रहे। अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तो वो भी इंदौर आए, हालांकि ये जरूर रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंदौर से जो है धार के लिए पहुंचे और धार में जब उन्होंने सभा की और खरगोन में सभा की तो इंदौर के एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, उन सबके साथ विचार विमर्श किया और उन्होंने भी वहां से एक संदेश दिया कि कांग्रेस का कैंडिडेट भले ही चुनाव से हट गया हो लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव से ना हटे, और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर में जो है ये वोटिंग परसेंटेज आया, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूकी। जिस तरह से अभी हमने इसके पहले भी चर्चाओं में जिक्र किया था कि इंदौर पर राष्ट्रीय नजर थी, मतलब अमित शाह ने मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन में आकर ये कहा है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर आकर उन्होंने कहा था कि तमाम मंत्रियों को चाहिए कि वो अपने क्षेत्रों में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाए, तो यही वो वजह है कि वोटिंग का परसेंटेज हमें मध्य प्रदेश में जो है नजर आ रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया, उन्होंने नोटा को प्रमोट करके बताया कि आप एक संदेश दीजिए जिससे कि नोटा जो है वो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करे भले ही भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा हो। अब भाजपा यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, मतलब एक संदेश देना चाह रही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने जब नाम वापस लिया उसके बाद भी भाजपा को इतने वोट मिले, अगर वो मैदान में भी होते तो वो इतने ही वोट लाते, जैसे वीडी शर्मा या मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आके जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है खुद जो है अपने कैंडिडेट को संभाल नहीं पाई और अब जो है कांग्रेस जो है नोटा का नकारात्मक प्रचार कर रही है। तो कहीं पर भी इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था उसके बाद भी हम ये कहें कि चुनाव नजर नहीं आया, ऐसा कहीं नहीं रहा। लगातार जो है हम ये कहें कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आज शाम 5 बजे तक, या अभी कुछ मतदान केंद्रों पर भले ही बारिश हो गई है लेकिन लाइन जो आखिरी समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मतदाता 5 बजे के पहले पहुंच गया और लाइन लगी हुई है तो जब तक वो वोट ना कर देगा तब तक वहां पर मतदान होगा। तो इंदौर में जो है हम ये कहें कि चुनाव हुआ है और मालवा निमाड़ का जो है हम ये कहें या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है तो वो चुनाव में आखिरी तक बना हुआ था।
बिल्कुल सही कहा आपने समीर भाई, ये अपने आप में खास है और ये काबिले तारीफ है। जहां एक तरफा मुकाबला भी नजर आता है, वहां भी वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये वाकई कमाल की बात है। साजिद भाई क्या समझे, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, वोटर्स का मिजाज कैसा देखा आपको? जी बिल्कुल, अभी तो शुरुआत में जो शुरुआती जो सुबह की जो हुई थी, हम सुबह सबसे पहले पहुंच गए थे तो हमने देखा कि जो युवा वोटर थे वो तो पहुंचे नहीं थे, सब बुजुर्ग जो थे वही लोग पहुंचे थे और यही हाल तकरीबन 9-10 बजे तक चलता रहा। इसके बाद जो है कुछ एरियो में जो है कुछ बूथों पर हमने लोगों की भीड़ जरूर देखी है, कुछ वोटर्स जरूर देखे। तो शहर में जो खासकर जो युवा वगैरह थे वो लोग ज्यादा वोट करने के लिए नहीं पहुंचे। ग्रामीण एरियो में संख्या जो है वोटरों की ज्यादा बताई जा रही है, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर रहे हो चाहे दूसरे लोग हो, लगातार वहां पर लंबी कतारें देखने के लिए मिली, लगातार वोटिंग परसेंट अच्छा गया। इसका अमृत एक मुख्य कारण जो है, जैसे अभी जफर भाई बता रहे थे हमारे, तो वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि लोग जो रहते हैं जो जो कैंडिडेट है, जैसे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर सीट है, तो इनका जो है अलीराजपुर और झाबुआ इनका जो है मुख्य जगह है, वहीं से ये प्रचार करते हैं, वहीं दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, इनके वाहन चलते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अगर रतलाम शहर की बात की जाए, आसपास की बात की जाए, तो किसी भी तरह की कोई कैंपियन खास दिखाई नहीं देती है, ना नेता सड़क पे लोगों जनता के बीच आते हैं, एक आध बार इक्का दुक्का अगर आ गए तो वो वाहन पे आकर के निकल जाते हैं। तो ये पब्लिक को जो है, जो शहर की पब्लिक है, वो इस चीज को अच्छे से जानती है कि क्यों हम इनके लिए सड़क पर आए जब ये हमारे पास आने को तैयार नहीं है। ये वहीं का विकास करते हैं जहां करके ये मूल रूप से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जरूर एक बड़ा फर्क सामने आया है। अमृत बिल्कुल, निषाद भाई कैसे समझे जो यहाँ पर साजिद भाई ने कहा या फिर जफर भाई ने जिन मसलों का जिक्र किया है, अगर हम बात करें खंडवा की, जो अभियान चलाए गए इसे भी इंक्लूड आप कर लें कि उसके साथ साथ इस बार के चुनाव में हमने देखा है कि जो वृद्ध वोटर्स हैं या जो दिव्यांग हैं उनके घरों तक पोलिंग पार्टियां पहुंची, वहां उनके वोट पहले कलेक्ट कर लिए गए, उसके बाद सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, इन सब के साथ साथ एक समीकरण भी जो है सियासी पार्टियों की जो कोशिश है, उन सब ने कितना इम्पैक्ट डाला है? बिल्कुल, हम देखिए जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को हम देख रहे हैं, तो ये सियासी जमात जो है इसके साथ साथ चुनाव आयोग भी एक वृद्धजनों के लिए या दिव्यजनों के लिए जो है घर पहुंच के एक मतदान का एक जो सिलसिला शुरू किया है उसका भी ये कारण है कि उन्होंने भी मतदान किया है। मगर ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केंद्रों पर आए हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके यहाँ मतदान किया है, उनके संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही वृद्ध हो गए हैं मगर वो मतदान केंद्रों पे आकर के मतदान करेंगे ताकि और लोग भी उससे इंस्पायर हो और वो यहाँ पर आए और यहाँ पे मतदान करें। युवा भी जो है वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पे आए हैं, हमने देखा है सुबह से, हम जब पूरा कवरेज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है, उन लोगों से बात भी की है और हमने हमारे दर्शकों को बताया है कि उन लोगों ने जो है पूरी उम्मीद जताई कि जो आने वाली सरकार है उससे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह की उनसे मांग रखते हैं या उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, किस तरह से उनकी अपेक्षा होगी। इसी बीच जो है अब जिस तरह से पूरा मतदान जो है पड़ा है, ये बता दूं कि अभी ये खंडवा का जो है 68% करीब मतदान हुआ है और इसके बाद जो है अब जब पूरा ओवरऑल होगा तो लगभग ये 72 से ऊपर जाएगा। 2009 की हम बात करें तो 2009 में जो है ये परसेंटेज जो है 75% के करीब गया था, 75% के करीब जब ये मतदान प्रतिशत गया था तो यहाँ पर उलटफेर हुआ था और उलटफेर होने के साथ यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। मगर देखिए ये बिल्कुल अभी साफ कह दें कि ये जो ईवीएम में अभी तक जो मतदान जो कैद हुआ है ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किस तरह से पूरा सब कुछ मतदान हुआ है, किसके पक्ष में मतदान हुआ है। अभी देखिए अभी से ये कहना